कर लेते हैं। राजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। राजीव, क्योंकि हम लगातार आंकड़ों की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है उसको लेकर ये कहा जा रहा है, जो एक ट्रेंड है कि आंकड़े जो कहते हैं कि अगर वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई हो तो वो सरकार के खिलाफ वोट जाता है, लेकिन अभी अभी वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें टीम इंडिया आंकड़ों में स्टैट में बहुत आगे नजर आ रही थी, लेकिन ग्राउंड में जिस तरह से उस दिन मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने प्रदर्शन किया था वो सबके होश उड़ा दिए थे। अभी आंकड़े क्या कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ग्राउंड में आप गए, आपने बुजुर्गों से बात की है, महिलाओं से बात की है, पुरुषों से बात की है, तो ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है और ग्राउंड पे क्या आपको देखने को मिला है, क्या कह रहा है कि क्या जनादेश देखने को मिलेगा इस बंपर वोटिंग के बाद? राजीव, देखिए रवि, आपने अच्छी तुलना की वर्ल्ड कप के फाइनल मैच से और राजस्थान के चुनाव से। राजस्थान का चुनाव इस बार हर बार के मुकाबले बिल्कुल अलग तरह से हुआ है और इसमें बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बातें जाती है वो ये कि जो एक रिवाज है हर बार, और ये राजस्थान का जो आम आदमी है, जो बिल्कुल जिसका राजनीति से कोई लेना देना, पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, वो जो है वो ये मान के चलता है कि सरकार रोटी पलट जाएगी, और यही ये जो पक्ष है, ये जो परंपरा है राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जो सबल दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक इसी वजह से। जैसे मैं बार बार कहता था कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कोई एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी या शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नहीं थी, लेकिन लोगों के दिमाग में ये था कि 18 साल हो गया, 20 साल हो गया, अब बदलना चाहिए, अब नए को मौका देना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ ही कांग्रेस के पक्ष में ये गई थी, और ऐसी कोई बात नहीं थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कोई लहर चल रही हो, या माफ़ कीजिएगा, 230 सीटों में 150 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पा जाए, ऐसे ही लहर जमीन पर दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में कोई लहर चल रही हो और 200 में पहले जैसे सीटें पाती थी, 150, 140, 167, 161 वहाँ तक पहुँच जाए, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सबल पक्ष है, अपर हैंड है, जो मैंने बताया। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक वोटिंग परसेंटेज की बात है, कई बार ये जो आंकड़े हैं ना वो उल्टी कहानी कह देते हैं। आपको याद होगा अकाली दल जब रिपीट हुआ था पंजाब में, तब उस बार वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हुआ था। आम तौर पर यह आकलन किया जाता है कि अगर पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा वोट पड़े तो वो एंटी इनकम्बेंसी के वोट होते हैं, सत्ता परिवर्तन के लिए वोट होते हैं, लेकिन ये कई बार अगर पिछले 10 साल के चुनाव में आप देखें तो कई बार ये गलत भी साबित हुआ। अब बात आती है वोटिंग परसेंटेज की। अगर तकनीकी तौर पर आप देखें तो 2018 के चुनाव में 74.72% वोटिंग हुई है, और अभी तक के जो रिकॉर्ड, अभी तक का जो आंकड़ा आ रहा है, एक घंटे पहले तक का जो बताया गया, वो राजस्थान में 74.19% है, यानी पिछली बार 2018 के मुकाबले 0.5% करीब करीब कम अभी तक वोटिंग हुई है। मुझे मालूम नहीं कि राजस्थान इलेक्शन कमीशन ने फाइनल कर दिया है क्या, और अगर मान लीजिए 1% तो 0.5% का मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस हिसाब से, तो अगर आप देखें तो तर्क ये भी लगाया जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा नहीं, लेकिन कुछ सीटों पर, जैसे आपने तिजारा सीट का जिक्र किया, तिजारा सीट पर वोटिंग परसेंटेज बम्पर 85% से ज़्यादा, इसलिए कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण वहाँ पर बहुत तेज़ी से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने इमरान खान को वहाँ टिकट दिया था, और वो बड़ी मज़ेदार बात ये हुई थी कि उन्हें पहले बीएसपी ने टिकट दिया था, 24 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी ने उनको अपनी पार्टी में शामिल कराकर वही टिकट थमा दिया, और बीएसपी का कैंडिडेट रह गया। फिर बाद में बीएसपी को अपना एक दूसरा कैंडिडेट उतारना पड़ा। और इस बीच आज़ाद समाज पार्टी और हनुमान बेनीवाल के गठबंधन वाली पार्टी ने एक कैंडिडेट दे दिया, तो वहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष शुरुआती दौर से दिखाई दे रहा था। उसकी कई वजहें थी, उसमें डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन कल चुनाव का जब मतदान हुआ तो बताया ये जा रहा है कि तिजारा में बहुत तेज़ी से दोपहर बाद धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ, और उसके बाद लंबी लंबी कतारें आपको तिजारा में देखने को मिली। तो अलग अलग सीटों के, एक बात और बताऊँ रवि, राजस्थान का चुनाव कई मामलों में कन्फ्यूजन पैदा इसलिए कर रहा है कि आप ये देखिए कि ज़्यादातर ज़िलों में, और राजस्थान के लोग इस बात से ज़्यादा सहमत होंगे, राजस्थान के ज़्यादातर ज़िलों में हर ज़िले में एक या दो सीट ऐसी रही है जिसमें निर्दलीय
या तीसरे, कांग्रेस बीजेपी के अलावा तीसरे कैंडिडेट ने बड़ी धमक के साथ चुनाव लड़ा है और ये समझ नहीं आया कि वो नुकसान किसका कर रहा है और वो सीट निकालने का क्या। माफ कीजिएगा, लगातार सफर करने की वजह से और पानी के बदलाव और सीजन चेंज होने की वजह से मुझे तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि राजस्थान के, मध्य प्रदेश के चुनाव, राजस्थान के चुनाव में जो ये तीसरी शक्तियां हैं, मुझे लगता है कि 15 से 20 सीटें तो निश्चित तौर पर उन्हें मिलेंगी और ज़्यादातर जगहों पर बड़ी मजबूती के साथ लड़े, करीब करीब 60 से 70 सीटों पर निर्दलीय या तीसरी शक्तियों ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। तो मैं मोटे तौर पर आपसे ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में किसी की हवा हो ऐसा नहीं है और अशोक गहलोत ने पिछले 5 चुनाव से अलग इस बार के चुनाव में अपनी गारंटीज, अपनी योजनाओं, चिरंजीवी, इंदिरा रसोई और ये सारी जो योजनाएं उन्होंने पीछे एक साल में बहुत ताबड़तोड़ तरीके से इम्प्लीमेंट कराई, चिरंजीवी तो खैर पहले से थी, उससे वो चुनाव में लगातार बने हुए और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने लड़ाई में कांटे की टक्कर दी है। लेकिन बावजूद सबके मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी का पलड़ा मुझे भारी दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए रुक करते हैं राजनीतिक मेहमानों का, चर्चा की शुरुआत करते हैं। जल्दी से एक बार फिर परिचय करा दूं, बीजेपी की तरफ से लक्ष्मीकांत भारद्वाज हैं, कांग्रेस की तरफ से स्वर्णिम चौधरी इस चर्चा में शामिल हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आदिल अहमद खान और पॉलिटिकल एनालिस्ट सौरभ दुबे, जो हमें हमेशा कहते हैं कि राइट विंग को ज़्यादा डिफेंड करते हैं, बीजेपी को ज़्यादा डिफेंड करते हैं। दर्शकों के लिए क्लियर होना चाहिए।